अगर आपकी एज की कोई लड़की है और आप उसके साथ दोस्ती करे हुए हो, दोस्ती होगी ना, बहुतों की गर्लफ्रेंड होगी, है पक्का है, या फिर ट्राई कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर लड़की मान लो पकड़ी गई, उनके घर वालों को पता चल गया, देखो मैं लड़की हूँ लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, भाई लड़की मना कर देगी, 1% ही होगी जो कहेगी कि जी मैं तो अपनी मर्जी से करती हूँ, नहीं तो वो कहते कि जी मेरे साथ ना इसने जबरदस्ती मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और तब जाके मैं इससे बात करने लगी। ये सच्चाई है कि नहीं है? बड़ी जल्दी बोले। और लड़कियों को विशेषकर ये बात ध्यान में रखने की है क्योंकि उनको कंफर्टेबल जोन फील होना चाहिए, अगर अनकंफर्टेबल जरा सा भी फील होता है ना तो आप उसी समय इसकी शिकायत अपने जैसे यहाँ पे हो मान लो, या फिर अपने घर पे हो तो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, इवन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को जाके थाने में या फिर हमें फोन के माध्यम से भी बता सकते हो कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम भी कहीं ना आए और हम उस समस्या को दूर करें आपकी, ठीक है? तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। अगर आपकी एज की कोई लड़की है और आप उसके साथ दोस्ती करे हुए हो, दोस्ती होगी ना, बहुतों की गर्लफ्रेंड होगी, है पक्का है, या फिर ट्राई कर रहे होंगे। हाँ, पहले चलो हम लोगों को तो कोई गाइड ही नहीं करता था, आप लोगों को गाइड कर लेगी तो हम लोग आगे हैं, है ना? तो अभी ये कि जब कभी भी किसी फीमेल के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि दो अगर आप दोनों सम एज के, दोनों की एज बराबर है, 18 साल से कम हो मान लो आप दोनों, ठीक है, और अगर आप अपनी लड़की अपनी दोस्त से बात करते हो, फोन पे बात कर रहे हो या कोई बात, इसमें दोस्ती बुरी बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है ना कि अगर लड़की मान लो पकड़ी गई, उनके घर वालों को पता चल गया, देखो मैं लड़की हूँ लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, भाई लड़की मना कर देगी, 1% ही होगी जो कहेगी कि जी मैं तो अपनी मर्जी से करती हूँ, नहीं तो वो कहते कि जी मेरे साथ ना इसने जबरदस्ती मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और तब जाके मैं इससे बात करने लगी। ये सच्चाई है कि नहीं है? बड़ी जल्दी बोले। अपने हक की बात आए तो ऊंची आवाज कर लेनी चाहिए और दूसरे के हक की बात हो तो बोले ना, है ना, वो काम कर दिया तुमने, ये बात फैक्ट है बेटे। तो इसलिए ये आप ध्यान में रखो, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, अगर आप ऐसे किसी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे हो या कुछ भी, देखो आज से बंद कर दो, क्योंकि कानूनन जब तक वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती उसकी हाँ मानी नहीं जाती। वो जाके बेशक कह दे कि मैं तो अपनी मर्जी से बात कर रही थी इससे, या मैं तो मर्जी से इसके साथ कहीं गई थी, तो वो मानी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। उसके माँ बाप जो कहेंगे वही करना पड़ेगा और आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगी, और अगर FIR दर्ज हो गई एक बार तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, आप जो है ना किसी भी नौकरी के लायक नहीं है, ठीक है? आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके अपना पेट काट काट के, क्योंकि वो लोग अगर सोचते हैं कि आज मुझे मिठाई खानी चाहिए तो वो सोचते हैं यार रहने देता हूँ, बच्चे के लिए कुछ ले जाता हूँ, उसकी नीड है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और आप अगर केस में हो गए तो आप, तुम्हें ये बताऊं, पैसा लगेगा एक बात, वकील करना पड़ेगा दूसरी बात, और तीसरी बात आपके माँ बाप को पैरों में पड़ना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके माँ बाप जो आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, जो आपको इतना ज्यादा कोशिश करके जो लाइफ उन लोगों ने बिताई है, जो लाइफ उन्होंने जी है, वो लाइफ